सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट की, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच चल रहा है और उस टेस्ट मैच के अंदर जो है जो रूट ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड जो है अभी तक कोई और टेस्ट बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाया है। दोस्तों हम सभी को पता है जो रूट कितने बड़े खिलाड़ी है, खास करके जो रूट ने अपनी क्लास जो है टीम इंडिया को वनडे के फॉर्मेट में दिखा दिया था, लेकिन जो रूट का असली इम्तिहान था वो था उनका टेस्ट मुकाबला। तो टेस्ट मुकाबले में भी जो है जो रूट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो रूट के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो ये रिकॉर्ड है सबसे फास्टेस्ट 6000 रन, वो भी इन टर्म्स ऑफ डेज फ्रॉम डेब्यू, मतलब कि जो रूट का डेब्यू जब से हुआ है तब से लेके कोई और दूसरा खिलाड़ी जो रूट से तेज 6000 रन नहीं बना पाया है। दोस्तों जो रूट ने जो है अपना टेस्ट डेब्यू 13 दिसंबर 2012 में किया था और तब से लेके आज के यानी कि कल के दिन तक जो है जो रूट ने अपने 6000 रन कंप्लीट कर लिए, वो भी दोस्तों सिर्फ 5 साल 2310 दिनों में। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो रूट ने जो है सिर्फ 5 साल 2310 दिनों के अंदर जो है अपने 6000 रन पूरे कर दिए और अभी तक जो है इस 6000 के आंकड़े को सबसे तेज कोई दूसरा खिलाड़ी पार नहीं कर पाया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड था उन्हीं के टीममेट्स एलिस्टर कुक के नाम पे, लेकिन जो रूट ने पहले टेस्ट मैच के पहले दिन इस नए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों जो रूट एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे खिलाड़ी है और इस बात को जो है जो रूट लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में साबित करते जा रहे हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो और एक नए रिकॉर्ड की उपलब्धि की जो कि जो रूट ने पाई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।